सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। ओके, एक इंडिविजुअल का, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल, तो उसको दोनों मिलके इंडिविजुअल हेल्थ बोलते हैं। तो बॉडी हेल्थ के लिए क्या चाहिए, एट एनी एज बैलेंस डाइट चाहिए, फूड चाहिए, ये सब नो। सो वो क्या करना चाहिए, इट्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मेंटेन करेगा एडिक्वेट एक्सरसाइज, तो भी उसका क्या होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, ठीक है। लेकिन एडोलेसेंस के टाइम में दिस बिकम्स इवन मोर एसेंशियल, बॉडी ग्रो कर रहा है इसलिए इट इज मोर एसेंशियल। ओके, देन न्यूट्रिशनल नीड क्या है, देखो इस समय में रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो डाइट केयरफुली प्लान होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, ये सर नो। सो बैलेंस डाइट मीन्स उसमें सभी रहेगा, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। इंडियन मील में जनरली टिपिकल इंडियन मील में क्या होता है, रोटी और राइस खाते हैं, दाल मतलब खाते हैं और वेजिटेबल, ये एक बैलेंस मील की तरह खाते हैं, ठीक है। और क्या है, मिल्क इटसेल्फ इज ए बैलेंस फूड, क्योंकि उसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, फ्रूट्स ऑल्सो नरिशमेंट देता है, ठीक है। इन्फेंट के लिए मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दे नीड। और हमारा जो आयरन है, आयरन क्या करता है, देखो आयरन ब्लड बनाता है, ठीक है। आयरन रिच फूड क्या क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, जगेरी, मीट, सिट्रस फ्रूट, इंडियन गोसबेरी, आमला जो है, ये सब चाहिए फूड के लिए, ठीक है। सो ये हम लंच या डिनर में ले सकते हैं, और उसमें सीरियल्स और मिल्क, मीट, नट्स, ये सभी होना चाहिए उसमें, फूड में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जनरली हम एडोलेसेंस के टाइम क्या, चिप्स एंड पैक्ड और टिंड पैक, ठीक है, चिप्स पैक्ड और टिंड स्नैक्स जो होता है वो टेस्टी होता है, लेकिन इट शुड नॉट रिप्लेस ए रेगुलर मील। लेकिन रेगुलर मील के बदले में हम नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें एडेक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से जो जो चाहिए नहीं होता है उसमें, ठीक है। इसलिए उसको वी शुड नॉट टेक इन प्लेस ऑफ ए रेगुलर मील। ओके, देखो ये सब डायग्राम है, क्या क्या मील्स में खाएंगे ये सभी है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, देखो तो एटलीस्ट वंस एवरी डे में क्या करना चाहिए, बाथिंग करना चाहिए, ठीक है। ये टीनेजर्स के लिए मोर एसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंक्रीज स्वेट ग्लैंड का एक्टिविटी इंक्रीज होता है, ठीक है, और बॉडी स्मेली होता है। सो एट द टाइम ऑफ बैथिंग एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। ओके, क्लीनलीनेस अगर नहीं मेंटेन होगा तो इट द चांस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन का ज़्यादा चाहिए, और गर्ल्स को मोर स्पेशल केयर शुड बी टेकन फॉर क्लीनलीनेस। देन फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने से वॉकिंग प्लेइंग टाइम में क्या होता है, फ्रेश एयर हम लेते हैं, वहाँ से बॉडी फिट और हेल्दी रहता है। सो ऑल दी यंग बॉय एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। और क्या है, से नो टू ड्रग्स। ओके, देखो ये एडोलेसेंस के टाइम में क्या होता है, मोच एक्टिविटी बॉडी में होता है और माइंड में भी, ठीक है, ये हुई चीज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप के लिए नॉर्मल पार्ट है। सो उस टाइम में वी शुड नॉट बी गेट कन्फ्यूज एंड एडोलेसेंस शुड नॉट टेक ड्रग्स। That means we should say no to drugs unless prescribed by doctor. ठीक है,
डॉक्टर के जो प्रेस्क्राइब नहीं होता है, बिकॉज ड्रग्स आर एडिक्टिव। अगर इफ़ यू टेक देम वंस, टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, ठीक है, जिसको नशा बोलते हैं, उसको बार बार एडिक्शन लेने के लिए, ड्रग लेने के लिए होगा, ठीक है। और क्या होता है एड्स, देखो जो एड्स वायरस है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, सो जैसे कि सीरिंज में जा सकता है, और फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, और इन इन्फेंट से मदर को भी जा सकता है, और 1 पर्सन टू दूसरे पर्सन तक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में भी जा सकता है। तो ये था तुम्हारा माइथ टैबलेट डू एंड डू नॉट। सो ये सब रिप्रूव हेल्थ है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ना, नोट मुझे नोट मेक नोट एंड सेंड मी एंड प्रिपेयर फॉर टेस्ट। ओके थैंक यू।